सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों आज मैं आपको उच्च रक्तचाप या जिसे हम अंग्रेजी में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसको सामान्य करने का बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जिससे आप उच्च रक्तचाप से बहुत ही शीघ्र छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर का कोई सटीक लक्षण नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी आपको तेज सिर दर्द, धुंधला दिखाई देना, उल्टी और बार बार चक्कर आए, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर एक बार जांच जरूर करवा लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में रक्त का संचालन हृदय धमनियों द्वारा होता है। जब रक्त धमनी में जाता है, तब उसकी दीवारें भी दबाव देकर रक्त संचालन में सहायता करती हैं। कभी कभी तो धमनी की दीवार मोटी होकर अपना लचीलापन नष्ट कर देती हैं। तब हृदय को अधिक जोर और दबाव लगाना पड़ता है। उस अधिक दबाव को हम रक्तचाप बोलते हैं। दोस्तों उच्च रक्तचाप की समस्या को घरेलू नुस्खे की सहायता से सामान्य किया जा सकता है, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आज मैं आपको ऐसा ही घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जिससे आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को तुरंत ही सामान्य कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम यह घरेलू नुस्खा जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया है लहसुन। जी हाँ दोस्तों, आपको इस नुस्खे में लहसुन का प्रयोग करना है। दोस्तों जो दूसरी चीज है वो है शहद। आपको इस नुस्खे में शहद का भी प्रयोग करना है। इस नुस्खे का प्रयोग आपको करना कैसे है और इसकी सही मात्रा क्या होनी चाहिए, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ले लेना होगा करीब 5 से 7 कलियां लहसुन की। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा 5 से 7 कलियां ही आपको लहसुन की लेना है। इन लहसुन की कलियों को आपको छील लेना है। छीलने के बाद रात में सोने से पहले आप इन लहसुन की कलियों में कम से कम 2 से 3 चम्मच शहद डाल करके रात भर के लिए छोड़ दीजिए, और सुबह उठने के बाद आप खाली पेट आप इसे खा लीजिए। ऐसा करने से दिन भर आपका रक्तचाप सामान्य रहेगा। इस नुस्खे का प्रयोग आप रोजाना कीजिए। अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग रोजाना करते हैं, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बहुत ही शीघ्र छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा है तुरंत हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य करने का। चलिए दोस्तों अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। आप अपनी सुविधा के अनुसार टिप्स में बताए गए नुस्खे का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम सूखा धनिया, 1 ग्राम सर्पगंधा, 2 ग्राम मिश्री में पीसकर ताजे पानी के साथ सुबह शाम खाइए। इससे भी उच्च रक्तचाप बहुत ही शीघ्र सामान्य हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।